सुप्रभात बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में भारत की खोज के अंतर्गत अंतिम दौर एक पाठ से कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। अंतिम दौर एक पाठ के आधार पर कौन अपने ही देश में गुलाम हो गया? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, चीन। सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न, कौन अपने मूल और चरित्र दोनों ही रूपों में अस्थाई रूप से विदेशी थे? अंग्रेज, भारतीय, मराठा, चीनी। सही उत्तर होगा अंग्रेज। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसने भारत में रहकर भारतीयों पर हुकूमत चलाई जबकि शासन सत्ता इंग्लैंड में थी? अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, नेपालियों ने, मुगलों ने। सही उत्तर होगा अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के लिए क्या बनकर रह गया? संचालन केंद्र, प्राकृतिक संसाधन, औपनिवेशिक केंद्र और खेतिहर पुछल्ला। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा औपनिवेशिक केंद्र और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए किस वर्ग को उत्पन्न किया? जमींदार और पटवारी, राजा और गांव के मुखिया, ऊपर के कर्मचारी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के कौन से दो विशेष महकमे थे? जमींदार और किसान, पुलिस और जमींदार, किसान और पुलिस, मालगुजारी और पुलिस। सही उत्तर होगा मालगुजारी और पुलिस, ब्रिटिश सरकार के दो विशेष महकमे थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन में हर जिलों के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया जाता था? मालगुजारी या पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर को, पुलिस या जमींदार को, किसान या जमींदार को। सही उत्तर होगा जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण के खर्च का एक हिस्सा भारत को उठाना पड़ता था, उसे क्या कहा जाता था? जजिया कर, प्रशिक्षण कर, कैपिटेशन चार्ज, वेट टैक्स। सही उत्तर होगा कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।